आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित और मेरे साथ पूरी पाठशाला रेलवे एग्जाम की टीम आप सभी का स्वागत करती है पाठशाला रेलवे एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि आपको अपने शुभ अवसर की एक मुबारकबाद दी जा सके। तो भाई, पाठशाला रेलवे एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवारजनों को दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करेंगे लगातार और उसको सफल बनाएंगे। आज ही इस प्रण को लेना है कि इस दीपावली पर भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के सामने कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और इनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इस बात के प्रण के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए, मेहनत करिए, बाकी सारे सरों से बात करिए और चीजों पर आगे बात करेंगे। चलिए सर, ठीक है। तो जैसा कि आपको सर ने, अनुराग सर ने बहुत सारी विशेष दे दी है ना, पाठशाला टीम पहली बार एक साथ सामने खड़ी है। अभी तक पाठशाला पे केवल मैं और अनुराग सर काम करते थे। हम लोगों ने आप लोग के लिए थोड़ा और अच्छा किया, मतलब जो भी हम लोग के पास सब्जेक्ट की कमी थी उनको भी लेके आए। फिलहाल ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे, बस इतनी सी बात है कि ये जो दिवाली है ना, ये दिवाली आप मनाइए, लेकिन मनाने के साथ साथ अपने पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए ना। और दूसरी बात ये है कि आपको अच्छे से दिवाली मनानी है, एंजॉय करना है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी। कई बार अक्सर हो जाता है कि लापरवाही की वजह से थोड़ी बहुत छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती है, वो भी ना होने दीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो अगली आवाज़ मैं शशांक सर को बोल दूंगा माइक, और उससे पहले आप लोग भी थोड़ा सा मतलब नीचे एक बार कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप सब लोग अपने अपने घरों में किस प्रकार से दिवाली मना रहे हैं। यस, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ दिन भर पढ़ ही रहे। दिन भर मत पढ़िए, घर वालों के पास जाइए, बैठिए, हैं। अभी मैं भी अपने घर जाऊंगा तो मान लीजिए मैं घर जाऊंगा तो लोग तो मुझे बहुत डांटेंगे, मम्मी तो मारेंगे। मुझे भी जो है मिलेगा बेस्ट विशेज है, घर वाली कहेगी लो आ रहे, तो बस वो इंतजार कर रही है आपकी शादी हो गई। तो आप बताइए, मतलब मुझे जा रहा था 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है, सपने आते हैं कि मैं मार खा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो बात ऐसी है कि बात ये है कि जैसे कि आपको पता है यार, कल दिवाली, परसों अगले दिन भैया दूज, मैंने उस दिन भी क्लासे आपको लगा रखी है। कोई बात नहीं, काम करते रहिए, अच्छा काम करने के लिए कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता। और ठीक है, तो आप लोग ये भी जरूर ट्विटर पे बताइए आप दिवाली में किसको खुश करने वाले, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग दिवाली का इंतजार करते हैं किसी एक पर्सन को खुश करने के लिए, मतलब वो सानू सोना बाबू मोना वाला नहीं, कोई और है, मतलब आपके घर वाले हो सकते हैं या घर में कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो पूरे साल आपके साथ लगा रहा, आपका हर काम किया, हर हुक्म माना, तो इस दिवाली उसे जरूर थोड़ा सा खुश कीजिए। मतलब अचानक से दी गई खुशी मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा खुश कर देती है किसी एक को। ठीक है, चलिए ये लीजिए सर। थैंक यू सर। बस मेरी तरफ से आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि हाँ, मैं आप लोगों को बस थोड़ा इतना ही कहूँगा कि इस बार जो की जो दिवाली है, इस बार तो आप बेरोजगारी में मना ले रहे हैं, अगली बार की जो दिवाली है हम और आप एक साथ मनाएंगे, पर रोजगार के साथ मनाएंगे। तो शून्य से आज इलेक्शन तक का बैच बिल्कुल मत छोड़िएगा, दिवाली मनाइए और साथ साथ बैचेस लेते रहिए। हम सब लोगों ने अपने बैचेस तैयार किए हुए हैं, दिवाली के साथ साथ भी थोड़ी थोड़ी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए ऋषभ सर। नमस्कार मेरे प्यारे छोटे बड़े भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं मैं ऋषभ सर हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो आपको भी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी लोग जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा प्रगति करें। और आपको जैसे कि पता है कि अभी आप सभी लोगों के पास जॉब नहीं है, अभी आप लोग बेरोज़गार हैं, ऐसा मत करिए कि दिवाली में खो गए हैं। दिवाली, होली, ये तो सब त्यौहार आते ही रहेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना है, उसके प्रति हमेशा अग्रसर रहना है, उसके हमेशा यही काम करना है कि हमें अपना लक्ष्य मिले। दिवाली होली आना है, मनाना है, परिवार के साथ रहना है, एंजॉय करना, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल पढ़ाई के से दूर ही हो गए हैं ना, तो थोड़ा पढ़ाई के टच में रहें। जैसा कि आपको पता है सून बैच चल रहा, हम चारों लोग ही उसमें आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपने सिलेक्शन के लिए उतनी ही मेहनत करें, ठीक है ना। बाकी इन्जॉय करना और ये करना वो तो चलता ही रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्जॉय ना करें, मतलब थोड़ा समझदारी के साथ एंजॉय करें, पढ़ा कढ़ा के थोड़ा कम चलाएं, क्योंकि माँ बाप के पैसे खर्च करना आपका कोई अधिकार नहीं है,
ऐसे ऐसी कोशिश करना, ऐसे पढ़ाई करना, हमारी टीम आपके साथ जो मेहनत कर रही है ना, कि अगली दीपावली के पास आपके पास अपने खुद के पैसे हों, खुद के पैसों से हम घर वालों के माँ बाप के सारे सपने पूरे करें, उनको कपड़े दिलाएं, उनके सारे शौक शान पूरे करें, ठीक है ना। तो दीपावली को ऐसे ही बताना। एक चीज सर मैं कहूँगा सर, कपड़े वाले बात से मुझे एक चीज याद आ रही है, जब आपके पास नोटरी होती है ना भाई, तो वो जो आपके छोटे मोटे बड़े भाई या छोटे भाई होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो लगा सर ये कहने वाले थे कि जब आपके पास नौकरी होती तभी आपके पास कपड़े होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दीपावली में सर, मतलब हम लोग के आसपास मोहल्ले वाले चंदा लेने के लिए आते हैं, फिर जब आपके पास नौकरी होती है तो शाम से पीछे से पॉकेट निकालेंगे, लो यार तुम ATM ले लो, जाओ निकाल लेना 5,000 रुपए। और जब नौकरी नहीं होती तो आसपास वाले क्या कहते, अरे रहने दो इनके पास मत जाओ, नहीं तो ये उल्टा हमसे ले ले। ATM कौन देता है चंदे के लिए, कौन देता है? सुनिए, अगर ATM में 2,000-4,000 रुपए है तो ATM भी दिया जा सकता है। कभी दिए हैं सर 2,000-4,000 चंदा दिए हैं। सुनिए, हुसन के पटाखे जलाइए, 3 दिन बिल्कुल मत पढ़िए, मौज लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। और जिन लिब्रांडुओं ने ये कहा कि पटाखे मत जलाइए और प्रदूषण होता है, बाकी 364 दिन प्रदूषण को रोकिए। कल अपने त्यौहार को, अपने आदर्श को और अपनी चीज़ों को खूब खुलकर एंजॉय करिए। तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस बात के साथ अगर कोई 2-4 शब्द सर लोग और कहना चाहते हैं तो कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, और बढ़िया से एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं मतलब हम लोग की जो क्लासेस सर शायद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन नहीं लगेगी, मतलब लगेगी क्या वो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो वेडनेसडे वाला दिन होगा उस दिन से रेगुलर जैसे जैसे सर की क्लास होती टाइमिंग सेम टाइमिंग के साथ आपकी क्लासेस मिलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत चंदा देने के लिए सिर्फ नौकरी की नहीं पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा कमाना सीखो भाई, ठीक है? चंदा देने, हाँ वही बेटा, चंदा देने के लिए जेब में नहीं दिल में जगह होनी चाहिए, ये वैसा लाइन सही थी। सा चंदा देना पैसा वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अपनी क्लासों के साथ। धन्यवाद।